नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित विकास बुलेटिन आरंभ करिबा हेडलाइंस रो देसी टीका नुए काहटु कम आसला कोवैक्सीन रो तृतीय पर्याय ट्रायल रो परिणाम एससीसी निकट रे डाटा रखिला भारत बायोटेक आसंता काली मिली पारे डब्ल्यूएचओ रो अनुमति वैक्सीनेशन रे भारत रो महा रिकॉर्ड गोटिए दिन रे 84 लाख लोक नेले टीका सफलता परे प्रधानमंत्री कहले वेल डन इंडिया 92 देश रो मोट जनसंख्या ठु अधिक टीकाकरण देशरे कमुची संक्रमण 91 दिन परे 50,000 तळकु खसिला दैनिक आक्रांतक संख्या दिन करे 42,640 नुवा केस चिन्हट सेपटे 79 दिन रे सर्वनिम्न स्तर रे पहुंचला एक्टिव केस लोड कमुची कोरोना संक्रमण किंतु कमिनी भय विशेषज्ञ कहिले गाइडलाइन रे ढिला आनी पारे विपद टीकाकरण सर्विलांस ओ कटकणा उपरे गुरुत्व तृतीय लहरर प्रभाव कु नेई एबेठु अनुमान कष्ट एवं सीबीएसई आईसीएसई रो मूल्यांकन पद्धति सुप्रीम कोर्ट रे कायम निष्पत्ति को चैलेंज करी दायर होइतला एकाधिक मामला सब आवेदन सुप्रीम कोर्ट रे खारज पिलांक हित को दृष्टि रखी निष्पत्ति निया जाइथिबा कहिले सुप्रीम कोर्ट आसवा खबर को आसिला कोवैक्सीन रो तृतीय पर्याय ट्रायल रो फलाफल 76.8% प्रभावी भारत बायोटेक रो ई वैक्सीन भारत बायोटेक पक्षर केन्द्र सरकार को एने रिपोर्ट दाखल करा कोवैक्सीन टीका तैयारी करथवा कंपनी भारत बायोटेक मंगलवार सकाळे यहार क्लिनिकल ट्रायल डाटा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बा डीसीजीआई को प्रदान करिछि। कोवैक्सीन टीकार तृतीय पर्याय फलाफल मिलवा पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी एक जरूरी बैठक करथिला। भारत बायोटेक द्वारा दिया जाइथिबा डाटा को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी तर्जमा करिछि किंतु वर्तमान सुधा एहाकु कोनोसी स्वीकृति प्रदान करा जाय नै। आगुकु सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी यहार डाटा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को प्रदान करिछि। कोवैक्सीन तृतीय पर्याय फलाफल आसिबा पूर्वरु प्राय 5 मास हला जरूरीकालीन भितरे यहा लोकमानकु दिया जाउछि। बिना परीक्षण रे लोकमानकु टीका दिया जिबाकु नै सेतबेले विवाद मध्य देखा जाइतला किंतु वर्तमान कोवैक्सीन टीकार तृतीय पर्याय फलाफल आसी मनुष्य शरीर रे यहा प्राय 77.8% प्रभावी बोली जहां वर्तमान सूचना मिलुछे। सेपटे कोवैक्सीन कोविड टीका नहीं भारतीयों पर खुशी खबर एणिक टीका नहीं लोक मैंने जापारे विदेश खूब शीघ्र यह टीका को मिलवा को जाऊँगी विश्व स्वास्थ्य संगठन बा डब्ल्यूएचओ अनुमोदन यार तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल तथ्य डब्ल्यूएचओ पाखे दाखल हो डब्ल्यूएचओ यह अनुमोदित टीका तालिकार रखि नाला से भारत यह टीका नहीं लोक मैंने विदेश जात्रा आंतर्जातिक उड़ाण पर अनुमति पाइबे कहुला एप खूब चिंतित थे विदेश जावाक चाहूबा भारतीय मैंने तेज सूचना अनुसार यह असुविधा खूब शीघ्र दूर होगा जाऊँगी कारण कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक तरफ यह टीकार तृतीय पर्यायर समस्त परीक्षण डाटा जहाँ सूचना रही डब्ल्यूएचओ निकट को पठा जाऊँगी। टीका अनुमोदन उपरे आसंता काली अर्थात 23 तारीख दिन दिन डब्ल्यूएचओ विचार करापर केवल भारत नुहे विश्वर अन्य जो देशगुड़ी कोवैक्सीन व्यवहार करते देशर नागरिक मैंने विदेश जात्रापी अनुमति पापारे एपरिक आमेरिका टीका को निज देश में व्यवहार पर अनुमोदन प्रदान करापड़ी। कोवैक्सीन हो संपूर्ण भारत में प्रस्तुत प्रथम स्वदेशी कोविड टीका एने अधिक अपडेट दबा न्यूज रूम में मोर सहयोगी निहारिका अच्छे निहारिका कोवैक्सीन को लेकिन डाटा मध्य सामना को आसुची एपटे कोवैक्सीन को एक प्रकार डब्ल्यूएचओ अनुमोदन मिलवा नहीं कि रास्ता परिष्कार जहाँ आसंता काली एक प्रकार स्थिर हम कौन रही अधिक अपडेट कोवैक्सीन को लेकिन निहारिका देखंतु विकास प्रथम कथा होची वर्तमान जो सूचना आसुची से हिसाब से 77.8% इफेक्टिव होची कोविड 19 उपरे जोटा कि कोवैक्सीन आगर आउरी कथा कहला दीटा डोज नेलापर एमती भी सूचना आईटा डोज नेलापर कोवैक्सीन रो 100% भाव में हस्पिटाल आडमिट हाबाक दरकार पड़ना यहीटा हूँ गोटे आडेड सूचना जोटा बर्तमान आसी तापर वर्तमान जमती आपण कहले डब्ल्यूएचओर आप्रुवाल मिलवा कथा उठुची जमती कि जानते जितेबले कोरोना संक्रमण भारत में कौन पूरा विश्व में बहुत अधिका हेबार लगी विशेषकर से स्वदेशी टीका हिसाब से कोवैक्सीन को जरूरी कालीन अनुमोदन दि जाइला
किंतु वर्तमान तापर डब्ल्यूएचओ कोविशील्ड को अनुमोदन देता डब्ल्यूएचओ तरफ अनुमोदन कोविशील्ड पाई किंतु कोवैक्सीन को नहीं द्वंद लगि रही किंतु वर्तमान समय जहाँ डाटा जोटा कि जमीक फेज थ्री ट्रायल शेष कोवैक्सीन और फेज थ्री ट्रायल पर जो डॉक्यूमेंट बा जो डाटा गुड़िक आसाब से जमीक आम कही सारीचे यहाँ बहुत इफेक्टिव 77.8% इफेक्टिव जहाँकि 25,800 लोकों ऊपर इफेक्टा जमापड़ी तापर फेज थ्री टोटाल डॉक्यूमेंट वर्तमान डीजीसीआई को दिगला पर बर्तमान डब्ल्यूएचओ सांगे जो काली जो मीटिंगटा रही निश्चय भाव में यहाँ अनुमोदन पाइबी कहतापर आउ गोटे कथा बर्तमान आस थ्री ट्रायल कोविशील्ड भी फेज थ्री ट्रायल होविन अन्न्य भैक्सीन कथा जदि कह तेबे द्वितीय पर्यायर ट्रायल बा तृतीय पर्यायर ट्रायल किंतु प्रथम थरपाई कोवैक्सीन जोटा कि आम स्वदेशी भैक्सीन ताकू नहीं कि बर्तमान विश्व चर्चा लगि रही आईपर कि अमेरिकार डिजीज प्रिभेनसन आक्ट हिसाब से भी सेठी कह कोवैक्सीन को लेकिन जो चिल्ड्रेन को ऊपर बर्तमान वैक्सीन तैयारी हे बोली चली कि बर्तमान ऑलरेडी भारत में आम कोवैक्सीन भारत बायोटेक पाई भी ऑलरेडी वैक्सीन आरंभ कर सारे एम्स जमी आप जानते तार ट्रायल हो सारी तेणु कोवैक्सीन हूँ प्रथम एमती टीका जोटा कि भारत में स्वदेशी टीका जार कि इवन पे भी वैक्सीन तैयारी होती जदि आसूची प्रथम कथा यहाँ भी एमती गोटे टीका जोटा जार कि फोर्थ पर्यायर ट्रायल फोर्थ पर्याय ट्रायल पर निश्चित भाव में कहीपर जो प्रकार तथ्य आ सूचना आसूची से जमापड़ी फोर्थ पर्यायर परीक्षण पर यह निश्चय भाव में विश्वर सर्वबृहत टीका निश्चय भाव में एनलिस्टेड हो पार से प्रथम कथा तापर आहरी एक कथा आसूची जमती प्री सबमिशन मीटिंग जोटा अच्छी आपड़ कहले आसंता काली अच्छी डब्ल्यूएचओ सांगे डब्ल्यूएचओ तरफ एपरी सूचना दि जाइए जे टीका तैयारी प्रस्तुतकारी निश्चिंत भाव से पूरा पूरी भाव में समीक्षा टीका उपरे कोवैक्सीन उपरे जरूरी हेबना कारण कोवैक्सीन ऑलरेडी बहुत लोगों को दिया सरी और तार फलाफल 100% आसी वर्तमान सुधा कोवैक्सीन टीका नहीं कि कौनसी प्रकार साइड इफेक्ट कथा कहतु बा कौनसी प्रकार गुरुतर स्वास्थ्य खराब हबार एपरी कौन सूचना आसीनी तेणु काली जो समीक्षा हम से कम्प्लीट समीक्षा हेबना केवल आपंती कोवैक्सीन गुणवत्ता उपरे तार प्रस्तुतकारी गोटे किसी प्रेजेटेसन दे पारती बर्तमान यही रिपोर्ट जे कि छड़ा सेप्टेम्बर अप्रूवल निश्चय अपडेट दौरान कितना आप जानते हैं कोवैक्सीन डाटा सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी निकट में दाखल कर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी तर्जमा कर किसी अपडेट देती कि कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ निकट को पठा जाए कि ना तेज आसंता का स्पष्ट जे डब्ल्यूएचओ पक्षर रिपोर्ट आसो जो कोवैक्सीन को आंतर्जातिक स्तर में जो स्वीकृति मिलवा कथा मिलवाक जाए निश्चिंत भाव में जमी आप कहले डीसीजीआई तरफ जो डॉक्यूमेंट मिली से ही आधार रे इमरजेंसी यूज ऑफ लिस्टिंग यही आधार इमरजेंसी यूज ऑफ लिस्टिंग आधार रे वर्तमान पे कोवैक्सीन को यूज करा कारण जेते कोरोना संक्रमण एत बढ़ी चलला से इमरजेंसी सेकेंड ट्रायल ले थाई मध्ये ताकु यूज करिया को दियागला वर्तमान तार फलाफल 100% आसला वर्तमान ईओआई बा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यही आधार रे डब्ल्यूएचओ को सबमिशन करागला निश्चिंत भाव में कहीपर जो जमी कहली जो आक्ट अच्छी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई से हिसाब से डब्ल्यूएचओ को काली डॉक्यूमेंट निश्चय भाव में प्रेजेंट कला आम निश्चय भाव में कहीपर पॉजिटिव वे नहीं पारा जे कोवैक्सीन रे पॉजिटिवली वेट करवा स्पष्ट जे डब्ल्यूएचओ काली ए नहीं कि एक तथ्य सामना को आसपा को जाऊँच कोवैक्सीन को मान्यता मिले कि ना बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका आपंकर समस्त अपडेट पाई कि वैक्सीनेसन ने भारत महारेकर्ड देश में बढ़ी वैक्सीनेसन स्पीड सोमवार और मंगलवार सुधा पखापाखि 90 लक्ष रु अधिक लोक टीकाकरण कराकि डेनमार्क न्यूजीलैंड फिनलैंड भली 92 देशर मोट जनसंख्यार अधिक 21 जून रु मागणा टीका नहीं घोषणा करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आ प्रथम दिन में ही रेकर्ड भांगी एभली सफलता पर ट्विट कर वेलडन इंडिया कहते प्रधानमंत्री यहस आगधाड़ी योद्धा को धन्यवाद जनाई कोरोना मुकबिल वैक्सीन हो सबुठ बड़ अस्त्र प्रधानमंत्री सोमवार दिनक 16 लक्ष टीका दे एक नंबर में रही मध्यप्रदेश आमेरिकार 4 एप्रिले 40 लक्ष लोक दि जाइला टीका जहाँकि भारत रेकर्ड टीकाकरण अधारू भी कम कि रूरल कवरेज ऑफ वैक्सीन हैज़ बीन रिमार्केबली
emphasized. Rural coverage is intense and a good proportion. मैं उस डेटा को दोहराना चाहूंगा जो कल वैक्सीन लगे उसमें से 63.7% 64% लगभग हमारे गांव में लगे, ग्रामीण क्षेत्रों में लगे और 36% जो है वो अर्बन एरियाज में लगे। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे देश में रूरल अर्बन पॉपुलेशन का डिवीजन है लगभग उसी के अनुरूप है, ये 70-30 का अगर मान के चले तो कोई दिखाई देता है कि ये संभव है। हम रूरल एरियाज में, दूर दराज एरियाज में हम जा सकते हैं। और अभी भी जैसे पीछे देखा गया कि हमारे 71% पिछले कुछ दिनों में जो डेटा सामने आया था सेंटर्स हमारे रूरल एरियाज में रहे हैं और कंसिस्टेंटली आधे से ज़्यादा जो टीके लगते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में वो भी रूरल एरियाज में थे। तो एक बात आज बहुत हद तक क्लियर हो जाती है कि रूरल आउटरीच पॉसिबल है और जैसे जैसे आईटी सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको एजुकेट किया जा रहा है, उसके बारे में लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, रूरल सिस्टम में इन वैक्सीन्स को पहुंचाया जा रहा है, टीम्स बन गई हैं, तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है हमें पूरा कॉन्फिडेंस, पूरी उम्मीद और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि रूरल एरियाज को कवर करना हमारे लिए पूरी तरह से संभव है। ସେପଟେ ସଫଳ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ରଣନୀତି। ଦେଶରେ ଲଗାତାର କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 50,000 ତଳକୁ ଖସିଛି ଦୈନିକ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର 42,460 ନୂଆ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହା 91 ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ 7 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 6,62,521 ରହିଛି, ଯାହା 79 ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ। ସେପଟେ ଦେଶରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହାରରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 96.49% ରହିଛି। ସେହିପରି ସାପ୍ତାହିକ ପଜିଟିଭିଟି ହାର 3.21 ଏବଂ ଦୈନିକ ପଜିଟିଭିଟି ହାର 2.56% ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଜୈସା କି ହମ ଆପକୋ ବତାତେ ରହେ ହେଁ 7 ମଈ କୋ ହମନେ ଦେଖା ଥା କି ଜୋ ଡେଲି ନୟେ କେସେସ ଦେଶ ମେ ଆତେ ଥେ ଉନ୍ହୋନେ ଏକ ପିକ କୋ ଛୁଆ ଥା 4,14,000 ସେ ଅଧିକ କେସ उस दिन आए थे। उसके बाद से निरंतर एक गिरावट हम देख रहे हैं और ये जो गिरावट है ये लगभग 90% की हो गई है अगर हम पीक से गणना करें। और पिछले 24 घंटों में 42,640 नए केस आए, ये हम आपको 7 दिन के मूविंग एवरेज या औसत के आधार पर बता रहे हैं। तो जो प्रतिदिन आने वाले केसेस हैं उनमें लगातार गिरावट है और एक शार्प डिक्लाइन है। ये जो डिक्लाइन है ये पिछले सप्ताह के औसत केसेस की तुलना में 29% की गिरावट है। आप देख रहे हैं कि 5 मई से 11 मई वाले सप्ताह में औसतन जो नए केस प्रतिदिन आते थे वो 3.87 लाख थे और वो अब घटकर 16 से 22 जून वाले माह में 58,000 हो गए हैं। ये जो नंबर है ये देश में कैसे फैला हुआ है इसको देखना भी आवश्यक है। ସେପଟେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ 3,000 ତଳେ କରୋନା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 2,957 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିପାରୁନି ବ୍ରେକ୍। ପୁଣି 38 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରୁ 3 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 408 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରୁ 272, ଯାଜପୁରରୁ 260, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 249 ଏବଂ ପୁରୀରୁ 219 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର ଆସିଛି। ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ବେଶ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି। FDI ବା ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ 5ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କରୋନା ମହାମାରୀ ଜନିତ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ରହିଛି ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
पुंजि निवेशकारीक प्रमुख पसंद तालिकार एक तथ्य को प्रकाश करिछि जातिसंघर एक रिपोर्ट वाणिज्य और विकास संक्रांत जातिसंघ सम्मेलन बा UNTAD द्वारा प्रकाशित विश्व निर्देश रिपोर्ट 2021 रे प्रकाश पाई तथ्य जदियों सारा विश्व में महामारी जनित लॉकडाउन जोगु विभिन्न प्रकल्प बाधाप्राप्त होती तेणु विदेशी पूंजी निवेश प्रभावित होती मात्र भारत उपर यार सेपरी प्रभाव पड़ना कारण देश में अर्थनीतिर मौलिक भित्तिभूमि सुदृढ़ होबा नै केन्द्र सरकार विभिन्न पदक्षेप नेबारु विदेशी निवेशकों भरोसा और आग्रह एवं भारत प्रति बढ़ी से केवल 2020 रे आर्थिक महामारी प्रथम लहर बेले देश में 27% अधिक FDI आगमन होता जार परिमाण थिला 6,400 कोटी डॉलर मात्र से ही तुलन 2019 FDI थिला 5,100 कोटी डॉलर सूचना एवं जोगाजोग टेक्नोलॉजी बा ICT शिल्पर FDI प्रभाव अधिक रही जमापड़ जहाँ भारत को एक क्षेत्र में सारा विश्व में पंचम स्थान रखे साहय कर सबटे घरकरण हो दुईट राष्ट्रायत बैंक यह प्रक्रिय सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक नाम चूड़ांत होता जमापड़ प्राथमिक भाव में यह दुईट बैंक मोट अंशधन मध्य सरकार 51% अंशधन बिक्री हे तेज सबुठ बड़ कथा है बैंक घरकरण नहीं खबर प्रकाश पाइबापर यह दुईट बैंक सेयार मूल्य 20% वृद्धि घटी सेंट्रल बैंक सेयार मूल्य पहुंची 24.20 टका और इंडियन ओवरसीज बैंक सेयार मूल्य पहुंची 23.60 टका बैंक घरकरण प्रक्रिया और अंशधन बिक्री सरकार बैंकिंग रेगुलेशन आईन में परिवर्तन आने को जापर अन्य राष्ट्रायत्त बैंकिंग नियम क्षेत्र में सुधार आने पर सरकारी भाव में पदक्षेप ग्रहण होना पड़ी तेज राष्ट्रायत्त बैंक घरकरण हेले यार कौन नकारात्मक प्रभाव ग्राहक व जमाकारी पड़वर संभावना ना बर पूर्व अपेक्षा अधिक उपकृत हे ग्राहक जमा ऋण और अन्यान्य बैंकिंग सेवागुड़िक ग्राहकों उन्नतमान सुविधाजनक भाव में मिल पार एवं देश में मोट 12 राष्ट्रायत्त बैंक रही सेंट्रल बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक पर आउ दुईट बैंक घरकरण होबार योजना रही यापर देश 8 राष्ट्रायत्त बैंक कार्य कर CBSE और ICSE मूल्यायन जुक्तियुक्त परीक्षा बातिल करने को CBSE और ICSE रो निष्पत्ति को चैलेंज करुथबा आवेदन को खारज करिसेंते कोर्ट छात्र छात्रों परीक्षा मूल्यांकन पर बोर्ड द्वारा अणा जाइथिबा मूल्यांकन योजना को अनुमति देइछन्ते सर्वोच्च न्यायालय या सहित जुलाई में द्वादश शारीरिक परीक्षा करिबारे दाबी प्रत्याख्यान करिसेंते मूल्यांकन योजन विद्यालय गुड़िक द्वारा त्रुटि व पक्षपात होबार आशंका थिबारु सुप्रीम कोर्ट यहाँ मध्य कौन से आदेश देवाक मना कर सुप्रीम कोर्ट कहते जे एथिपाय एक फलाफल कमिटी हेबो जहाँ उपर दृष्टि दिया कमिटी रे केवल स्कूल नुहे बाहर मध्य सदस्य रही पारे सबरे प्रधानमंत्री बैठक पर जम्मू और काश्मीर गुपकार मेट एवं राजी होता सूचना रही है आसंता गुरुवार दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जम्मू और काश्मीर नेता आलोचना करने को जाता बेले घाटी राजनैतिक चलचंचल हठात बढ़ी जाई छी बैठक में जोगदेवा को आज जम्मू और काश्मीर राजनैतिक दल मानक संगठन गुपकार आलियांस पक्षर निष्पत्ति नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्लाह बासभवन में अनुष्ठित मेंटर बैठक में यह निष्पत्ति प्रधानमंत्री बैठक में फारूक समेत PDP मुख्य महबूबा मुफ्ती और CPIM नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जोगदेवा को सम्मति देते प्रधानमंत्री क्यों प्रसंगे जम्मू और काश्मीर नेता मानक भेटा जाहा जमापड़ नथिले पुणी राज्य मान्यता फेरवा निम्ते भरोसार वातावरण सृष्टि करवा यार लक्ष्य बोली कहुच्छे केन्द्र सरकार का आलोचना प्रस्ताव को पूर्व ही घाटी अधिकांश राजनीतिक दल स्वागत कर समय सारी बुलेटिन को रखा नमस्कार।